हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना देर किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। लेखक बता रहे हैं, कम विजिट अस, आओ हमारे गांव में घूमो। एंड और आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और लेखक बता रहे हैं कि आओ हमारे गांव में घूमो, मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा। कैसा आम दूंगा? रो मैंगो, यानी कि कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसे क्या मत करना, इसे खाना मत, इसे क्या मत करना, मत खाना। जस्ट ठीक टेक अ बाइट, इसे क्या करना, इसे थोड़ा सा दांत से काटना। द सोरनेस ऑफ इट्स श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड ऑफ इट। देखो नीचे क्या है कि जैसे दांत से काटोगे इसमें कैसा लगेगा, आपको खट्टापन लगेगा, और क्या है डायरेक्टली आपके मस्तिष्क में, वो आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। आपको लगेगा ये कैसा है, खट्टा है। मैं एक बार ऐसा फल घर लेकर गया जिसकी क्या बनाई भाई, चटनी बनाई। क्या बनाई? चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, और फिर क्या है, सभी ने इसको, हम सब ने क्या किया, इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। फिर क्या होता है कि सबने इसे खाया, उसके बाद हमें किस क्या क्या हुआ, कफ यानी कि खांसी हो गई। और इसके बाद मैं खांसी की दवा लेने गया, तब डॉक्टर ने मुझे फल की विशेषता के बारे में बताया। भाई फल कैसा था, क्या है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये तो फल के कारण आपको खांसी हुई है। जस्ट एज अ मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। और फिर लेखक बता रहे हैं कि ठीक जिस तरह आम स्पेशल होता है, विशेष होता है, इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार की बातें हमारे गांव के चारों ओर होती है। वी हैव अ कीपर ग्रोविंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। अब क्या होता है, इस प्रकार की बात हमारे गांव के चारों होती है। गांव का जो पॉन्ड है, तालाब है, उसके शुद्ध पानी में सुंदर सुंदर बेलें उगी हुई है, और इट्स फ्लावर आर फीस ही बिहोल्ड टू बिहोल्ड। और इसके जो फूल हैं, वो जो फूल हैं वो देखने में बड़े ही आनंददायी लग रहे हैं, बिहोल्ड लग रहे हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। बाथ मतलब नाना। अब पत्ते के दो बेल के दो पत्ते लो, लेखक के कह रहा है जो बेल है उसके दो पत्ते लो, और अब आप तालाब पर नहाने जाओ और आपको पत्तियां प्राप्त करने की चिंता नहीं रहेगी, जिस पर आप दोपहर का खाना परोसेंगे, है ना। एंड और यू विल नॉट हैव टू वरी, चिंता नहीं रहेगी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स इन विच सर्व द आफ्टरनून मील। यानी कि शाम का भोजन है, सॉरी दोपहर का जो भोजन है, उसको जीमने के लिए आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, आपको परेशानी महसूस नहीं होगी, उसमें आसानी से खाना परोसेंगे। ये बात बता रहे हैं लेखक। You will say I am rambling, और फिर क्या कह रहे हैं लेखक, ऐसे ही देखो आप यह कहेंगे कि मैं इधर उधर की हाँक रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, rambling कर रहा हूँ, हाँक रहा हूँ, इधर उधर की जैसे फेंक रहे हैं। It is always like that when the subject of our village comes up, और फिर क्या है कि हमेशा ऐसा ही होता है हमारे गांव का जब विषय आता है। बट इनफ, लेकिन बहुत हो गया, क्या हो गया, बहुत हो गया। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। देखो मी अ लाइन, आगे लेखक बता रहे हैं कि बहुत हो गया, यदि आप में से कोई हमारे यहाँ घूमना भ्रमण करना पसंद करे तो मुझे एक पत्र जरूर लिख दो। कैसे, कि क्या लिखो, देखो
I will let you know where Hoshali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? आप लेखक कह रहे कि क्या आप ये बताने देंगे कि होशहाली कहाँ है और यहाँ कैसी कैसी चीज़ें हैं। किसी स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका वहाँ क्या है? घूमो। सबसे बढ़िया काम अगर गागरून देखने जाना हो तो वहाँ पर आपको घूमना पड़ेगा उसको ज़्यादा समझने के लिए। क्या आप एग्री हो? डोंट यू एग्री? आप एग्री नहीं हो आप इस बात से? क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सभी सहमत हैं? What I am going to tell you something that happened 10 years ago। और फिर क्या होता है? मैं जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले घटी थी। कब घटी थी? 10 साल पहले। We did not have many people who knew English then। और क्या होता है तब? क्या हमारे जो बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे? अब बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे फिर क्या होगा? आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ कवरेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। देखो अब यही बात है कि हमारे गांव का लेखाकार ऐसा पहला व्यक्ति था, वो अकाउंटेंट जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस दिखाया था। क्या किया था? उसने साहस दिखाया था। और इट इज़ डिफरेंट नाउ। यह क्या है? यह बात बिल्कुल अलग है। कैसी है? अलग। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। और बहुत से लोग जो हैं अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ड्यूरिंग द होलीडे, होलीडे यानी कि छुट्टियों के दौरान हो, छुट्टियों के दिनों में यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। छुट्टियों के दिनों में या छुट्टियों के दौरान आप अंग्रेजी में बात करते हो, प्रत्येक गली में या उनके संपर्क में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन दिनों क्या है? दोज डेज, उन दिनों वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर Did we bring in English words while talking? और क्या है जो लेखक बता रहे हैं कि उन दिनों में अंग्रेजी नहीं बोलते थे हम, अंग्रेजी नहीं बोलते थे और बात करते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते थे। आगे की लाइन बढ़ते हैं। इन कनाडा। अब देखो क्या है, ये बता रहे हैं लेखक कि उस समय अंग्रेजी नहीं बोलते थे, शब्द का प्रयोग भी नहीं बोलते थे। सॉरी कन्नड़, ये कनाडा नहीं है, सॉरी कन्नड़ है। क्या है? उस समय कौन सी भाषा बोलते थे? वो कन्नड़ बोलते थे। क्या बोलते थे? कन्नड़। देखो मैं अंडरलाइन कर दूं, इन कन्नड़, कन्नड़ बात भाषा में वो बात करते थे। What was happened is disgraceful, believe me। और फिर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वह कैसा था? अपमानजनक है। Believe me, मेरा विश्वास करो। The other day, और अन्य दिनों में I was in Rama Rao House। The bought a bundle of firewood। तो क्या है, लेखक बता रहे हैं दूसरे दिन जब रामा राव के घर गया तो जब वो उन्होंने एक लकड़ी का बंडल खरीदा, रामा राव सन कम आउट और टू पे फॉर इट। और फिर क्या हुआ, जब लकड़ी का बंडल खरीदा तो रामा राव का बेटा भुगतान करने हेतु बाहर आया, पैसे देने के लिए, पेमेंट करने के लिए बाहर आया। He asked the woman, और उसने औरत से पूछा कि how much should I give you, भाई मुझे तुम्हें कितना पैसा देना चाहिए? तो औरत कहती है four pays, कितने पैसे देने चाहिए भाई? Four पैसा देना है। She said, उसने कहा। The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning। और फिर क्या है, लड़के ने उससे कहा उसके पास चिल्लर नहीं है या रेजगारी नहीं है या खुले पैसे नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं हैं, वो अगले दिन सुबह आकर के ले जाए। अगले दिन सुबह आने के लिए उसने कहा कि कल ले जाना।
अगले दिन द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और फिर क्या है, बेचारी जो औरत है उन छुट्टे पैसों के लिए या रेजगारी के अंग्रेजी शब्द को नहीं समझ पाई और बुदबुदाती हुई वो चली गई। क्या होता है, तो बेचारी जो औरत है वो उस खुली रेजगारी के या उन छुट्टे पैसों के लिए समझ नहीं पाई, इस चेंज शब्द को वो समझ नहीं पाई कि उसके पास पैसों के चेंज नहीं है, खुले पैसे नहीं है, जो क्या हुआ वो समझ नहीं पाई और वो बेचारी बुदबुदाती हुई, मटरिंग मतलब वो कैसी बुदबुदाती हुई बेचारी वो औरत चली जाती है। I too did not know, और फिर क्या है, मैं नहीं जान पाया, लेखक बता रहा मैं नहीं जान पाया, लेटर बाद में, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it mean, देखो mean, मैं जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा इसका क्या अर्थ है, तब मैं समझा कि इसका मतलब तो छुट्टे पैसे होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कुछ परेशानी हो तो ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें।